मॉर्निंग क्लास शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्यावसायिक अध्ययन के अध्याय 4 का आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग संगठन के बारे में पढ़ रहे थे। संगठन क्या क्या होता है, कार्यात्मक संगठन, प्रभावी संगठन के बारे में हमने पढ़ा था दूसरे वीडियो में। आज हम लोग औपचारिक संगठन के बारे में जानेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक दो संगठन होते हैं, जिनमें से आज हम लोग औपचारिक संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। औपचारिक संगठन क्या होता है, हमने संगठन के बारे में आपको बताया कि संगठन होता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों के समूह द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया, ठीक है, को संगठन करते हैं, या एक और परिभाषा हो सकते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के समूह द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे संगठन कहते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन क्या होता है, औपचारिक संगठन से ये होता है कि इसको बनाना अनिवार्य होता है, ठीक है, क्यों बनाते हैं, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे औपचारिक संगठन कहते हैं, ठीक है। संगठन और औपचारिक संगठन की परिभाषा लगभग सेम टू सेम है, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे संगठन कहते हैं, ठीक है। औपचारिक संगठन के गुण, ठीक है, इनके गुण क्या है, इनके गुण निम्नलिखित हैं। पहला, उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल है। क्या कह रहा है कि औपचारिक संगठन के गुण में पहला है कि उत्तरदायित्व निर्धारित करना सरल है, अर्थात क्या कि इस संगठन के अंतर्गत किस व्यक्ति के क्या उत्तरदायित्व होंगे, उनको किस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा, इसका निर्धारण करना होता है, सरल होता है। नेक्स्ट, आदेश की एकता बनी रहती है। औपचारिक संगठन क्या होता है कि क्रमवार नियमों के अनुसार चलता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आदेश दिया जाता है प्रबंधन द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं उस आदेश की एकता बनी रहती है, ठीक है, विभिन्न लोग आदेश न देकर एक ही प्रबंधक द्वारा आदेश दिया जाता है, जैसे कि आदेश में एकता पाई जाती है। नेक्स्ट, कार्यों के पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती है, अर्थात क्या सबके कार्य विभाजन हो जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक जो सदस्य हैं, प्रत्येक संगठन में जो कार्य सदस्य हैं उनके कर्तव्य, उत्तरदायित्व और कार्य अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, जिससे कि कोई कार्य को दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को कोई दो कार्य एक साथ नहीं दिया जा सकता, तो ये कहा जाता है कि कार्यों की पुनरावृत्ति की संभावना भी नहीं होती है। नेक्स्ट, प्रबंधक द्वारा ही नेतृत्व किया जाता है, अर्थात क्या बोला जाता है कि औपचारिक संगठन का जितना भी नेतृत्व होता है, किस प्रकार के कार्य कराना है, किस प्रकार से कर्तव्यों का निर्वहन कराना है, किस प्रकार से नियंत्रण रखना है, यह सभी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एक प्रबंधक के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात जो प्रबंधक जो भी नीतियों का निर्माण जो भी नीति बनी रहती है, ठीक है, उस नीति के अनुसार वो कार्य कराने का कार्य करता है, ठीक है। औपचारिक संगठन के दोष क्या है, देखिए, आदेश श्रृंखला के कारण निर्णय लेने में विलंब होता है, अर्थात क्या आदेश के लिए एक लंबी श्रृंखला बनी रहती है, ठीक है, कि यहाँ मतलब जो एक व्यक्ति आदेश दिया फिर वहां से दूसरे जगह जाएगा, फिर वहां से दूसरे जगह जाएगा, ऐसे करते करते एक श्रृंखला तैयार हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो भी निर्णय होता है उसमें अधिक विलंब हो जाता है, अर्थात जो भी निर्णय सही से लिया जा सकता है उसमें भी विलंब हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें कार्य करने का सही चित्रण नहीं आता है, ठीक है, अक्सर क्या बोल रहे हैं कि औपचारिक संगठन के अंतर्गत जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका जो सही चित्रण मतलब सही रूप से साक्ष्य सामने नहीं आ पाता है। नेक्स्ट, इसमें कठोर नियम होने के कारण नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात क्या बोला जाता है कि इसके अंतर्गत औपचारिक संगठन के अंतर्गत कठोर नियम होने के कारण जो इसके नियम है कठोर है, अर्थात एक श्रृंखला के अनुसार नियम चलते रहते हैं, ठीक है, इस कारण से इनके नीतियों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, औपचारिक संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अर्थात सबका उद्देश्य क्या रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक है, जो एक उद्देश्य है वह सभी को उस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, जैसे एक साथ मिलजुल कर, ठीक है, वही कहा जाएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है औपचारिक संगठन कहलाता है।
औपचारिक संगठन के गुण में पहला था उत्तरदायित्व जाहिर करना सरल है, अर्थात इस संगठन के अंतर्गत किस व्यक्ति के काम क्या कर्तव्य होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, इसका निर्धारण करना सरल होता है। नेक्स्ट आदेश की एकता बनी रहती है, क्योंकि इसमें सभी आदेश प्रबंधक के द्वारा लिए जाते हैं, जिस कारण आदेश में एकता बनी रहती है। कार्यों की पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती है, क्योंकि इसमें सभी कर्मचारियों के अलग अलग कार्य विभाजित होते हैं, जिस कारण से कोई एक व्यक्ति को कोई दो कार्य एक साथ नहीं दिया जा सकता है, जिससे कि आदेशों के पुनरावृत्ति की संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट प्रबंधक द्वारा ही नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। इस औपचारिक संगठन का जो नेतृत्व होता है, जो भी कार्य होते हैं, कार्य प्रणाली होती है, उसका सभी नेतृत्व जो है एक प्रबंधक द्वारा ही संपन्न किया जाता है। औपचारिक संगठन के दो, पहला है आदेश के कारण निर्णय लेने में विलम्ब होता है, बोला है आदेश प्रबंधक द्वारा दिया जाता है, उसके बाद एक लंबी श्रृंखला के बाद जो होता है निर्णय पर आते हैं, जिस कारण से क्या होता है निर्णय लेने में अत्यधिक विलम्ब होता है, ठीक है। जो कार्य शीघ्रता से किया जाता है उसमें भी अत्यधिक विलम्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कार्य करने का सही चित्रण सामने नहीं आ पाता है, अर्थात क्या जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है, जो संगठन में कार्यरत व्यक्ति है, और किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका जो सही प्रकार से चित्रण जो होता है, अर्थात साक्ष्य सामने नहीं आ पाता है, अर्थात यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, इनमें कठोर नियम होने के कारण नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात क्या इसका इस औपचारिक संगठन का जो नियम है वो अत्यधिक कठोर है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है कि इनकी नीतियों में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अर्थात जो भी इनकी नीतियां बनाई जाती है उसको सभी सदस्यों को उसी नीतियों के आधार पर कार्य करना होता है। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर फेयर कॉपी में नोट कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।